हेलो दोस्तों, मैं अभिलाष यादव फिर से आपके लिए शार्पी की नई प्रोग्रामिंग लेके आया हूँ। दोस्तों, ये हमारा DMX है, हमें इसको ऑन करना है। पहले ये हमने ऑन किया, वो हमारी शार्पी पहले से ही D001 या A001 पे करनी है, जिसकी जैसे भी होती हो वैसे कर लें। अब DMX को ऑन करें, ये फर्स्ट नंबर। अब हमें प्रोग्रामिंग ऐड करनी है, तो पहले प्रोग्रामिंग को बटन दबाएंगे, ये हमारी लाइट ब्लिंक करने लग गई है प्रोग्रामिंग के बाद। अब हमें क्या करना है, पहले जो भी प्रोग्रामिंग ऐड करनी है वो ऐड करनी है। आप देख सकते हैं दो नंबर फेडर से, तो हमने इसको मिड ऐड और फर्स्ट पे ऐड करना है। प्रोग्रामिंग ऐड हो गई है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मिड ऐड प्रेस करना है और एक नंबर पे ऐड करना है, ये ऐड हो गया है। उसके बाद हम अब इसको नीचे करते हैं और इसको हमें दो नंबर पे ऐड करना है, वही मिड और ऐड और दो नंबर। ये हमारी ऐड हो चुकी है प्रोग्रामिंग। अब हमें चेज बनाना है इसका, तो इसके लिए हमें एक बार दोबारा प्रेस करके हटाना पड़ेगा प्रोग्रामिंग को। ब्लैकआउट हो गया, इसको ब्लैकआउट करना पड़ेगा। अब दोबारा हमें प्रोग्रामिंग ऐड करनी है, प्रोग्रामिंग ऐड चेज, चेज नंबर 2 पे हम इसको ऐड करना चाहते हैं, तो 2 दबा देते हैं। इसके बाद हमें सिर्फ करना क्या है, मिड और एंड, यहाँ से फर्स्ट पे फर्स्ट दबाना है और मिड ऐड, सेकंड दबाना है मिड ऐड, फर्स्ट दबाना है मिड ऐड एंड सेकंड दबाना है मिड ऐड। दोस्तों, अब ये प्रोग्रामिंग हमारी इस पर सेव हो चुकी है, हमें फिर से सिर्फ एक काम करना है, प्रोग्रामिंग बटन दबाना है और ब्लैकआउट करना है। अब आप लाइट देख सकते हैं, अब इसके बाद हम इसको ऑफ़ करेंगे, एक बार दोबारा ऑन करेंगे। अब हमें चेज करना है, तो चेज हमने 2 पे ऐड किया था, मैंने पहले से एक पे ऐड कर रखा है, एक तो इसको करना है, और ऑटो ऑटो पे ओके करना है। और ये देख सकते हैं आप, शार्पी चलने लगी है। आप इसकी स्पीड पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से ये स्पीड है इसकी, बिल्कुल हल्की सी करना है, स्पीड कम हो जाएगी। और ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं, ये देखिए स्पीड कम हो गई है। आप इसको जैसे भी चलाना चाहे उस पर चलती रहेगी अभी। ये हमारी ऑटो प्रोग्रामिंग पे ऐड हो गई है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।